टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस से रिश्ता क्या कहलाता है फेम दिव्या भटनागर, जिनका हाल ही में कोरोना के चलते निधन हो गया। वहीं दिव्या भटनागर के बेहद ही करीब रहने वाली टीवी की टॉप एक्ट्रेस, खास दोस्त देवोलीना भट्टाचार्य, जिन्होंने दिव्या भटनागर के पति के खिलाफ एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ काफ़ी कुछ खुलासे करे थे कि वो किस तरह से दिव्या भटनागर के साथ मारपीट करते थे, उनको डराते थे, धमकाते थे, उनका जो रिलेशनशिप था कैसे था, कैसे दिव्या भटनागर ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करी थी। तो वहीं देवोलीना भट्टाचार्य ने आज एक और वीडियो शेयर करा है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने और भी कई खुलासे करे, जिसमें उन्होंने बताया है गगन गबरू के कुछ नेम्स के बारे में बताया है। वहीं उन्होंने बताया है कि उन्हीं का दोस्त उनके खिलाफ है जो उनकी बातें जिसने बताई हैं, और साथ ही दिव्या भटनागर की कुछ चैट सामने आई हैं जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी, जो मैं अगली वीडियो में काफ़ी और खुलासे करूंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। अभी आप देवोलीना भट्टाचार्य जी की इस वीडियो को देखिए जो उन्होंने आज शेयर करी है, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ खुलासे करे हैं। गगन शेट्टी, गबरू शेट्टी और पता नहीं और दो तीन नाम होंगे, ऐसे क्रिमिनल्स के बहुत सारे नाम होते हैं जो फ्रॉड स्टार्स, चिप स्टार्स होते हैं, उनके बहुत सारे नाम होते हैं, तो वैसे ही तेरे भी बहुत सारे नाम हैं। सो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता तेरा कौन सा एक्चुअल रियल नाम है। रही बात मेरी आइडेंटिटी की, तो मैं बता देती हूँ, मैं वही हूँ जिससे तूने दिव्या को बोला था मेरा सोशल मीडिया ये सब हैंडल करने के लिए, एंड मैं तुझे फॉलो करूँ ताकि तेरा वेरीफाई हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो या दैट इज़ मी। एंड लोग हंसेंगे जिस तरीके से तू बातें कर रहे हैं ना। और रही बात हमारे वीडियोस बनाने के लिए, या हम और उसके फैमिली वाले कुछ बोल रहे हैं इसके लिए फैंस नहीं बोल रहे हैं, ये तेरी बहुत गलत फहमी है। दिव्या को तूने भले ही डरा के रखा था कि वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बोले, वो अपने दोस्तों को कुछ नहीं बोले, पर ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, शायद तू नहीं जानता है उन्हें, और स्पेशली उसके फैंस। दिव्या भले ही हमारे साथ उसने कुछ नहीं शेयर किया है, पर वैसे उन लोगों के साथ दिव्या ने हर एक इंसिडेंट जो तूने उसके साथ कैसे, कब, क्या असॉल्ट किया है, हर एक चीज लिख के गई है, बता कर गई है, हर एक चीज का प्रूफ है हमारे पास। उन हर एक फैंस को पता है, क्योंकि फैंस के साथ वो चैट करती थी और वो बताती थी कि तू क्या करके गया है, समझा। सो ये जो सारे हमें चैट्स मिल रहे हैं उसके फोन से, उसके फैंस से, उसके उन फ्रेंड्स से जिनके बारे में तुझे कभी पता भी नहीं होगा, दिव्या ने बहुत लेट कर दी समझने में तुझे, और समझने के बाद भी वो सहती रहेगी इस आस में कि कहीं तू ठीक हो जाएगा, तू सुधर जाएगा, पर तू सुधरा नहीं, समझा। सब छोड़ दे, तेरा दोस्त तेरे खिलाफ है, तेरा दोस्त बोल रहा है कि तू कैसा है, तेरा दोस्त था जिसने दिव्या को तेरे गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताया था, समझा। वो भी तेरा साथ नहीं देगा, तो तू सोच तू किस तरीके का इंसान होगा, तू इंसान नहीं जानवर है तू, समझा, तू जानवर है। तू बॉम्बे में आने के लिए, इंडस्ट्री में आने के लिए एक बेचारी भोली सी लड़की का तूने इस्तेमाल किया, उसे इतना मारा, इतना पीटा, इतना मेंटली स्ट्रेस किया, इतना फिजिकली असॉल्ट किया। गाइज यू विल गेट गूज़बम्प्स इफ आई विल टेल यू व्हाट ही हैज डन विथ हर। गाइज यू विल गेट गूज़बम्प्स इफ आई विल टेल यू व्हाट ही हैज डन विथ हर। इट जस्ट दैट आप सोच भी नहीं सकते हो उसने क्या किया है दिव्या के साथ। बेल्ट से मारना तो बहुत नॉर्मल था, शादी के 3 दिन बाद ही उसका सर उसने फोड़ दिया था। इफ यू रिमेम्बर इंडिया फोरम में एक बार आया था कि वो बाथरूम में गिर गई थी करके, वो भी फिजिकल असॉल्ट ही था। देन पैर में, हाथ में, आई हैव शेयर्ड फ्यू पिक्चर्स, एक ही पिक्चर अभी शेयर किया है, यू कांट इमेजिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया है। ही हर्ट हर लाइक एनीथिंग। और जिसके फादर गुजरे हैं, उस लड़की को अगर कोई डराए धमकाए रूम में बंद करके रखे और बोले कि अगर तूने अपने फैमिली को या किसी को भी कुछ भी बोला तो
तेरे भाई को मार दूंगा। ही इवन सेड कि उसके पास बंदूक है, वो ये करेगा वो करेगा। सो बेसिकली ही इज ए क्रिमिनल, यू नो। सो बहुत सारी चीजें जो अभी धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। एंड तू अगर इतना ही सही आदमी है तो दिव्या तेरा एनसी करवा के गई है, तू अगर सही है गलत नहीं है तो आ जा ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, आ जा पुलिस स्टेशन में, फिर वहां पे बात करते हैं ना पुलिस स्टेशन में, आ जा। तू इतना क्लेम कर रहा है ना कि तू अभी तक तू उभर नहीं, क्यों? तू तो अभी प्लानिंग बना रहा था, अभी तो अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ अच्छा वो वाले चैट्स भी शेयर करूँ क्या तेरे, जिसपे तेरी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग हुई है? वो मैसेजेस तुझे नहीं मिले थे दिव्या से? चल मैं शेयर कर देती हूँ, शायद तुझे दिख जाए। तेरे ही गर्लफ्रेंड्स ने दिव्या के साथ बाय द वे चैट किया है, फोन पे बात किया है। सो इफ यू वांट दैट आल्सो तो वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, चलेगा मुझे। एंड बाय द वे जो तेरी मम्मी के साथ बात हुई है दिव्या की फोन पे, वो सारे रिकॉर्डिंग्स भी हैं। जो तेरी बात हुई है वो सारे रिकॉर्डिंग्स भी है। सो डोंट वरी, एक एक करके मैं वो सारी रिकॉर्डिंग्स मैं डालने वाली हूँ बहुत जल्दी। अब इनफैक्ट आ ही जाएगा एक दो दिन में, देव डाल ही देगा आई थिंक, ऑलरेडी थोड़े बहुत तो डाल ही दिए हैं, और एक एक करके सब आ जाएंगे। तेरी गगन गबरू सेट्टी फेट्टी जो भी है तेरा नाम, तू इतना सही है ना तो तू ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आ जाना, फिर वहां हम सब मिलके बात करेंगे। या तो देखिए आपने वीडियो किस तरह से देवोलीना भट्टाचार्य जी ने अपना जो है दिव्या भटनागर के खिलाफ जो भी कुछ हुआ है उन्होंने कैसे इस वीडियो में बताया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।